लगता है कि दबंग खान सलमान खान अभी तक प्रियंका चोपड़ा को माफ नहीं कर पाए हैं। तभी तो उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म से प्रियंका को निकाल फेंकवाया है। जी हाँ, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह एन मौके पर प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान के मेगा प्रोजेक्ट भारत को छोड़ दिया और उस वक्त इसकी वजह थी निक जोनस से उनकी सगाई। लेकिन किस तरह सलमान खान ने जगह जगह जाकर प्रियंका चोपड़ा की बदनामी की, उनकी इंसल्ट की और ये तक कहा कि उन्होंने निक ऑफ टाइम की वजह से उनकी फिल्म छोड़ दी। इस बात से साफ पता चलता है कि सलमान कितना नाराज थे प्रियंका से। लेकिन अब इतने टाइम बाद जब फिल्म रिलीज भी हो चुकी है और मेकर्स और ऑडियंस दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लगता है कि सलमान अभी भी प्रियंका को माफ नहीं कर पाए हैं। तभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा को निकाल फेंकवाया है। सुनने में आया है कि संजय लीला भंसाली के सामने ऑप्शन रखा गया था, या तो वो सलमान के साथ काम करें या तो फिर प्रियंका के साथ। एंड ऑब्वियसली उन्होंने सलमान खान को ही चुना और उनकी मर्जी के मुताबिक प्रियंका को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। वो प्रियंका ही थी जिन्होंने कॉफी विद करण शो पर ये बात रिवील की थी कि वो संजय लीला भंसाली के साथ पिक्चर करने वाली हैं। लेकिन अब जब उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, वी वंडर प्रियंका चोपड़ा का इस पर क्या रिएक्शन होगा। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि सलमान खान अब इस पास से उभर जाएं। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।